सर अब आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं सर सेक्टर्स के ऊपर कि सेक्टर जो हैं वो मतलब अब जिस हिसाब से हमने बात कर ली है बहुत सारी, बाहर के मार्केट, यहाँ के मार्केट, बॉन्ड यील्ड, कमोडिटीज, ये वो, अब हमारे को यहाँ पर जब काम करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है हमारा, जिसके लिए लोग बैठे होंगे कि समीर सर से सुने कि कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनमें 10, 20, 40, 50, वो 300 गुने वाला टाइप आपका जो रिटर्न है, किसके अंदर आने वाले 5, 10, 15 साल में हमें मिल 25 साल जाएगा? लगे उसमें, 25 साल। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन इनको तो बहुत जल्दी चाहिए ना। लेकिन चलो ठीक है, जो भी है अगर वो कहेंगे सर, लेकिन मतलब अभी क्या है, कौन से सेक्टर में आपसे एक एक जो है सेक्टर वाइज थोड़ा पूछूंगा, आप उस बारे में अपनी एक राय दें, पहले ओवरऑल राय बता दें आप अपनी तो कि क्या मेरे, हम आपकी तो जी राय। खाली 3 सेक्टर में ही काम करते हैं 90% ऑफ द टाइम। ओके वो 3 सेक्टर है। पहला सेक्टर हमने जैसे उसको विजुअलाइज किया, समझाता हूँ। पहला सेक्टर है कंपनीज दैट कंपीट विद गवर्नमेंट कंपनीज। ओके ये हमने शुरू ऐसे किया कि जब हम अलायंस में थे तो उस वक्त गवर्नमेंट ओन्ड ये यूटीआई एसबीआई वगैरह थे, तो हमने कहा जी हम प्राइवेट सेक्टर वाले आ गए, बड़े सारे आ गए थे, 10-15 म्यूचुअल फंड ने शुरू किया। उन्होंने क्या किया, उनको पहले, हमें भी नहीं पता था हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होगी कंपेयर टू दी अदर। हमने कहा जी हमारी सर्विस बड़ी अच्छी होगी, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, हम आपको डिस्क्लोजर देंगे, हम आपको एनएवी सेम डे देंगे, यूटीआई वाले आपको महीने बाद देते हैं या वीकली देते हैं। तो उस हिसाब से अब हमें समझ आई कि इस बेसिस पे भी लोग पैसे देने को तैयार थे। अगर परफॉर्मेंस सेम भी होती वो बात की बात है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, पर उस वक्त पहले पता नहीं था। सो द पॉइंट इज स्लोली वी हैव डिस्कवर्ड दैट इट इज वेरी इजी टू विन शेयर फ्र�म गवर्नमेंट। उसके बाद मैंने ये जी में किया। जी वॉज फाइटिंग विद दूरदर्शन। तो सबको पता था कि दूरदर्शन में आप पहले न्यूज दिखाते हैं, फिर आप एग्रीकल्चर दिखाते हैं, फिर आप एजुकेशन दिखाते हैं, फिर आप गाय कैसे, गाय को घास कैसे खिलाई जाए दिखाते हैं। तो जी वाले ने कहा जी मैं तो खाली मूवीज दिखाऊंगा और खाली सॉन्ग दिखाऊंगा और सीरियल दिखाऊंगा। सबने कहा परफेक्ट। वी मेड 100 टाइम्स ऑन जी इन 2 ईयर्स, बिल्कुल 99 एंड उसी में एक रीजन एनएवी वेंट अप सो मच। वो स्टोरी सो तो सबको पता है उसके बाद सर। आ गया भारती। भारती कहते हैं जी हम बीएसएनएल को पीटेंगे, तो वो स्टोरी नहीं। तो उस स्टोरी से अब क्या रह गया है, अब बेसिकली रह गया प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा वो कंपीट करते हैं विद स्टेट ओन्ड कंपनीज, विद इंश्योरेंस कंपनीज एंडसेट्रा। अब लोग कहते हैं कि जी वो इंप्रूव हो गए हैं, स्टेट ओन्ड वाली कंपनीज इंप्रूव हो गई हैं। मैं वहीं आ रहा हमने था एक, हाँ, तो अभी। हमने कहा जी एक हुई है शायद, हमने भी ले ली फिर स्टेट बैंक। अच्छा इंडिया नहीं इतनी आसानी से इंप्रूव हो रहा जितनी जल्दी लोग सपने लेते हैं बेचारे खरीद खरीद के शेयर। तो हम एनी वे दैट इज द फर्स्ट थीम, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल। आपको खाली कॉन्सेप्ट, अब चाहे वो राइट और रॉन्ग हो, दैट सेकंड थीम हमने डिस्कवर की थी 90s में कि जी हमारे पास 1.3 बिलियन, उस वक्त 1 बिलियन लोग है ही नहीं। ये खाली कहानी सुनाई जाती है फॉरेनर को, मतलब मार्केट की तरफ से। मार्केट की तरफ से अगर आप किसी भी सेक्टर को 1.3 बिलियन से डिवाइड करेंगे लगता है इंडिया में अंडर पेनिट्रेटेड है, लेकिन है नहीं, क्योंकि मार्केट 100 मिलियन 200 मिलियन से ऊपर है ही नहीं। ये खाली मोबाइल फोन की है। आप कोई चीज ले लो, अभी एक आया कि अभी किसी ने स्टोरिकली नेट पे लिखी है, कौन सी कंपनी ने, ये जो मैगजीन वगैरह आती है, कि वाई वी विल नॉट हैव 100 बिलियन मार्केट कैप कंपनी, बिकॉज इंडिया में नेट यूजर जो एक्चुअली नेट लेते, जो एक्चुअली जो हाँ, जो ट्रांजैक्ट ट्रांजैक्ट करते हैं। वो कुछ नहीं, वो 100 मिलियन। तो हम कहते हैं जी हमें इंडिया नहीं चाहिए, हमें मिडिल क्लास इंडिया चाहिए। इट शुड लुक अंडर पेनिट्रेटेड इन अर्बन इंडिया और इन मिडिल क्लास इंडिया। बेसिकली 300 मिलियन से डिवाइड करेंगे, ठीक है 400 से कर लो, मतलब कोई नंबर फिक्स नहीं है, मतलब 1.3 से नहीं डिवाइड करेंगे। हाँ, मतलब हाफ पे आ जाओ, हाफ से भी कम में, हाफ से कम पे आ जाओ, फिर बात करो। फिर मैं बात आपको करो। इसके बड़े एक सेक्टर दिखा सकता हूँ। तो दैट मीन्स वी लाइक कंज्यूमर बट वी कॉल हिम, एक्चुअल में टेलीकॉम को छोड़ के बात आपकी राइट भी है, और फोर मतलब आपने जो नंबर बताया एक्चुअली वो हायर साइड पे ही है मेरे नहीं हिसाब नहीं टेलीकॉम में मैं आपको बताता हूँ ना, तो आई वाज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन भारती फ्रॉम द म्यूचुअल फंड साइड, बिकॉज अलायंस वाज द बिगेस्ट इन 2002। तो उस वक्त इंडिया के पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे और चाइना में थे 150 मिलियन। तो सब ये कहते थे कि जी इंडिया का 20 साल बाद भी अगर 150 मिलियन हो गया तो इट इज अ मैसिव नंबर, 5 मिलियन विल बिकम 100 मिलियन, का बहुत बढ़िया, तो हमने सबने लिए थे। उसके बाद 2010 तक फिर हमने हीलियोस शुरू किया, हीलियोस में भी भारतीय के शेयर लिए थे। फिर हो गए 2010, तब तक इंडिया के सिम एटलीस्ट, अगर सब्सक्राइबर ना बोले क्योंकि डबल सिम चलते थे, डबल ट्रिपल, फिर भी 600, 700, 800 मिलियन सिम हो चुके थे। तो हमने कहा जी अब 800 मिलियन हो गए, हम तो 100 मिलियन के सपने लेते थे कि 2003 में,
वो कहते हैं जी पॉपुलेशन इंडिया की 1.3 मिलियन है। हमने कहा ये पॉपुलेशन कहां से पिक्चर में आ गई, क्योंकि बेचारा पुअर आदमी एक घर में चार फोन लेगा क्या, और फोर पीपल इन आवर फैमिली। तो हमने बेच दिया, हमने 9 ईयर्स तक फिर नहीं खरीदा, 2019 में वापस खरीदा है। सो द पॉइंट इज ये आई कैन गिव यू मेनी मोर एग्जाम्पल्स, अगर आप 1.3 बिलियन पे चले कार बनाने तो फेल हो जाएंगे, जरूरत क्या है। सो आवर सेकंड इज अर्बन अंडर पेनिट्रेशन या मिडिल क्लास अंडर पेनिट्रेशन। मतलब हमें लगना चाहिए कि ये मिडिल क्लास में भी अंडर पेनिट्रेटेड है। एक ना आपको बिग पिक्चर एयर कंडीशनिंग, पहले तो किसी घर में है नहीं, और जिस घर में है उसमें एक के बदले दो भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। व्हाई शुड इट बी ओनली इन बेडरूम, पहली बात तो है ही नहीं, है ही नहीं। ओके मतलब बहुत कम है, 5-7। तो इजी टू सी इन वन मिनट कि ये 300 मिलियन में अंडर पेनिट्रेटेड। आप स्टॉक कोई सर ले ना ले आपकी मर्जी। थर्ड इज सर ले ना ले, आपने आइडिया दे दिया लोगों को हमारे। नहीं नहीं, हमें ऐसे नॉर्मल आइडिया नहीं है, क्योंकि इसमें बिगेस्ट जो मैन्युफैक्चरर है वो तो कोरियन होते हैं, साउथ अफ्रीकन होते हैं, सॉरी साउथ कोरिया वाले होते हैं। नहीं इंडिया की दो तीन कंपनियां हमारे आइडियो से नहीं, यहाँ की कंपनियां भी अच्छा ही कर रही है, दो तीन तो नहीं नहीं कर रही है, बट आई थिंक 3-4 है। बट हम तो इसलिए हमारे पास तो असेंबली वाला है, हम आपको पहले बता रहे हैं, जो सबके लिए बनाता है, आप जो मर्जी लो बनेगा एक ही बंदे, वो भी समझ गए सर सारे। करेक्ट करेक्ट। सो आई एम नॉट डिनाइंग, उसमें क्या शर्माने की बात क्या है। सो जो तीसरा सेक्टर है, जो थीम है हमारी, वो है बेसिकली स्टार्टेड विद आईटी, बिकॉज हम 90s थे और आईटी शुरू हुई थी। फिर आईटी को डेवलप करके करा आईटी एंड फार्मा, जो कि सिमिलर है कि भाई इंडियन थिंग गोइंग एक्सपोर्ट। फिर उसको 3-4 साल पहले करा आईटी फार्मा स्पेशलिटी केमिकल, वो भी सेम कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, चाइना से कॉम्पिटिशन कम है, या चाइना छोड़ रहा है, जैसे स्पेशलिटी केमिकल थोड़ा छोड़ रहा है, और इंजीनियरिंग टाइप चीज है, तो थोड़ा सा इंडिया का एंगल है, नॉट की कोई थाईलैंड। लेकिन सर उसमें आपको नहीं लगता कि स्टॉक छाटने मुश्किल है स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर, हो फार्मा में इतनी सारी सेगमेंट है, वो एपीआई का काम है किसी फॉर्मुलेशन का, बट वो काम जो है वो हमारे एनालिस्ट कह जी, हमारा एनालिस्ट कितने साल से 94 से कर रहा है फार्मा सेक्टर। सर लोगों के पास इतने अच्छे एनालिस्ट नहीं है, लोगों के पास इतने अच्छे फंड मैनेजर है ना, उनको अपने आप क्या करने की जरूरत है। ये भी ठीक है, आपने आपने सेक्टर बोला था, मैं आपको सेक्टर बता रहा हूँ। तो ये तीन है हमारे, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर बट नॉट रियल, मतलब 1 बिलियन कंज्यूमर नहीं चाहिए हमें। फाइनेंशियल के अंदर मैं बैंकिंग को ज्यादा गिनू, बैंकिंग को के कम गिनू? या बैंकिंग वेट ज्यादा है ना, तो बैंकिंग ज्यादा है। अब तो हमने स्टेट ओन्ड बैंक भी ले लिया है, क्योंकि फाइनेंशियल के अंदर अभी बहुत सारे सेगमेंट नए खुल गए हैं, इंश्योरेंस है, सब, 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 या आपके डिपॉजिटरीज है, ये नई अभी एक्सचेंजेस आ रही हैं, या तो ये सारे बिकॉज फाइनेंशियल इज अ वर्ल्ड वाइड ग्रोथ सेक्टर। आप अभी भी सोचो ना, वर्ल्ड में अभी भी सिंपल बात है, आप देखो फोर्ब्स लिस्ट ऑफ बिलियनर्स, वो बेचारों ने अपनी जिंदगी में पैसे बनाए, वो कौन से सेक्टर से आते हैं? वो आते हैं फाइनेंस सेक्टर, बिल्कुल, कंज्यूमर सेक्टर, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी सेक्टर, बिल्कुल। कोई स्टील बनाने वाला नहीं आया आज तक कोई। तो यहाँ आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में आपका इस फाइनेंशियल की बास्केट जो है, इसमें से बैंक नीचे जाकर और कुछ और बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है, नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा Because है। अब इस समय अटैक बैंक्स के ऊपर है। हाँ। अभी हमने लेकिन अभी क्या है, वो लिस्ट नहीं हुई है, ये फिनटेक विनटेक जो हर आदमी कहता है मैं ये करूंगा, अब देखते हैं ना हाउ इट गोज। बिकॉज ये भी हो सकता है कि बीच में जैसे HDFC बैंक कहता है कि मैं अपना डिजिटल बैंक बना रहा हूँ फ्रॉम जीरो, बना तो वो भी सकते हैं सर। तो जो फिनटेक अपने आप को जिसने कहना शुरू किया उसको बेच दिया आपने फिनटेक वाले को अच्छे से। वो जो इसलिए मैं इसलिए बेचा जी, उसकी मार्केट क्या है, 50 बिलियन। मैं तो एक्चुअली बता रहा हूँ, फिनटेक अगर आप नया फिनटेक होता है कितने बिलियन का होता है, 5 बिलियन 6 बिलियन, तो उसका 10% मुंह से फिनटेक बराबर हो गया। चलो जी अब नेक्स्ट कहानी बताइए। ये थोड़ा कि क्योंकि फिनटेक 50% पर एनम बढ़ते हैं 10 साल, तो मैं 50 बिलियन से 10% 50 बिलियन। लेकिन सर फिनटेक, लेकिन फिनटेक तो वो अभी भी है ना सर, वो है तो सही, फिनटेक वो है तो सही। अब ठीक है, ऐसे होते हैं लाइफ में। जो नए वाले आ रहे हैं अभी, जो अभी लिस्ट होने की बात कर रहे हैं कुछ पेटीएम, फिनटेक तो कोई लिस्ट होने वाली भी बात नहीं कर रहा, कौन सा पेटीएम, पेटीएम पेटीएम ने बहुत ज्यादा मार्केट कैप है अभी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए एक और इंडिया की कहानी है, इंडिया में कितनी कंपनियों का 30 बिलियन मार्केट कैप है, अब ये बताओ सर, आप ही बता दो आपकी ज्यादा। मेरे ख्याल से 20-25 है, मुश्किल 30 बिलियन डॉलर के ऊपर 30 कंपनियां या 25 कंपनियों से ऊपर नहीं है पक्का। नंबर वन है अपना रिलायंस 180 बिलियन, उसके नंबर टू है TCS, TCS होगी हाँ, और नंबर थ्री है HDFC बैंक 111 बिलियन। ये कल की बात है या आजकल की। उसके बाद 100 से कम में
ये स्टेट बैंक, कोटक बैंक, ये सब है, ये आर ऑल 50 बिलियन। 50 आप 25-30 बिलियन में लॉस मेकिंग कंपनी लाओ बड़ी सी, अब आपका स्टॉक 30% बढ़ गया, सपोज आईपीओ नहीं तो मजा क्या है, अगर आईपीओ तो आप 35 बिलियन हो गए, तो आप इंडिया के सब कंपनियों को बीट करके, और वो भी जो फाइनेंशियल कंपनियां और जो 40-40 साल से चल रही हैं उनको प्रॉफिट बना रही हैं और वो गधे नहीं मैनेज कर रहे, एंड दे कैन डू व्हाट यू आर डूइंग और आर ऑलरेडी डूइंग, इतना नहीं चल सकता। आईपीओ हाँ जी सर, नहीं, अगर कंप्लीट करिए 5-7 बिलियन की कंपनियां हो ना, हम्म, उसमें हम फिर भी सोच सकते हैं कि इतनी 100 बिग कंपनियां इंडिया में, तो आप एक और आ गए हो, ठीक है, यू हैव सम एंगल टू इट। 30-40 बिलियन में यू बिकम अ सीरियस प्लेयर इन इंडिया, सो यू हैव टू बी एनालाइज डिफरेंटली। सर आईपीओ की बात आई ही गई है, तो एक वो नए आईपीओ जोमेटो जो हैं वो भी आ रहे हैं अभी, तो उसके बारे में आपके कुछ वो खास ठीक है जी, राय, वो मेरे को तो ठीक लगता है, आपको ठीक लगता है? हम तो आईपीओ में लेंगे नहीं, हम तो आईपीओ की लिस्टिंग के बाद देखेंगे, क्योंकि आईपीओ में बहुत ओवर सब्सक्राइब होता है, वेरी डिफिकल्ट टू बाय, सो बट इट लुक्स पॉसिबल कि वो ठीक है, क्योंकि उसमें नया नया कॉन्सेप्ट है, इंडिया में नए कॉन्सेप्ट को शुरू में तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, फिर अगर 2-3 साल में नहीं परफॉर्म किया फिर अलग बात है, बट आई थिंक वो ठीक है। एक वैसे आपने डिनाई कर दिया उस सेक्टर को, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाह रहा हूँ, पीएसयू जो प्रॉपर पीएसयू हैं उनको अंदर, हम उसको बैंकिंग को छोड़ देते हैं, प्रॉपर जो पीएसयू हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां हो या डिफेंस के कुछ नाम हैं, क्या इस बारे में आपका कोई, आपने चाहे होंगे नहीं आपके पास, लेकिन इस नहीं, बारे में आपकी कोई मेरे को तो 5 पैसे का इंटरेस्ट नहीं है जी उनमें, नहीं क्योंकि वो राय, सारे कोई कर राय, राय राय इसलिए है जी क्योंकि आप शेयर जो खरीदते हैं, कोई आपका बस मतलब होना चाहिए कि आप शेयर क्यों खरीदते हैं। अच्छा जी, बीपीसीएल ने 10,000 करोड़ बना लिया जी, हमें क्या मिला, आप अपनी बात करें। तो अगर आप वैसे देखें कि, अच्छा मैं आपसे दूसरे तरीके से पूछता हूँ, टाइम है, टाटा मोटर का जो डीडीआर है वो टाटा मोटर की प्राइस से आधे पे क्यों चलता है, सर बताइए ये मुझे। बात तो आज तक बहुत लोगों को समझ नहीं आई, ये बात तो आज तक बहुत लोगों को समझ नहीं आई कि क्यों चलता है वो, क्योंकि मतलब उसमें डिविडेंड जो है टाटा मोटर से ज्यादा मिलना है, रूल है, मतलब ये रिटर्न में है, ये कोई ये नहीं है कि वो कर रहे हैं ऐसे, उनका वो है एज पार्ट ऑफ द कंडीशन और व्हाटएवर, ठीक है, कि यू विल गेट 5% हायर डिविडेंड ओके देन द डिविडेंड ऑफ टाटा मोटर। अगर टाटा मोटर 1 रुपया देगा, यहाँ 1 रुपये 5 पैसे मिलेंगे डिविडेंड, लेकिन आपने अपने वोटिंग छोड़ दिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डीवीआर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको 1/10 वोट मिलेगा। अगर आपका एक शेयर है तो इसका मतलब है नंबर वन, आपको लगता है कि टाटा जो है वो आपको धोखा दे देंगे, ये मतलब हुआ क्या कि भाई अगर मेरे पास बिल्कुल, वोट नहीं हुआ तो पता नहीं क्या कर लेंगे मेरा, हाँ बिल्कुल, और हमने कौन सा इतने वोट दे देने जिससे मार्केट जो है। लेकिन द फैक्ट कि आपके पास वोटिंग नहीं है हाँ या आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हाँ आप उसको आधे में भी नहीं लेते या आधे मिनी में लेते हैं, राइट। आपके पास कौन से पीएसयू में आपको लगता है कि आपके वोट की वैल्यू है, तो उसके पीएसयू अपने लोगों की वैल्यू नहीं है। पीएसयू इज लाइक अ डीवीआर। अच्छा इसीलिए इसका मतलब है, अगर आपको लगता है पीएसयू सस्ता है ना, पीएसयू डीवीआर है इसलिए सस्ता है, पीएसयू जो नजर नहीं आ रहा वो महंगा ही है, इसलिए हम कहते हैं अगर आपको 10 PE लगती है तो वो 20 का है। ये आपने बहुत बड़ी अप्रोच दिया आज लोगों को कि उसको हम डीवीआर की तरह से ट्रीट करें, क्योंकि डीवीआर की तरह ट्रीट करें, कभी कभी किसी का चल जाएगा, कभी घट जाएगा, बट कोई क्योंकि उसमें डिविडेंड फैक्टर भी है और हमारी राय की कोई कीमत भी नहीं है। क्योंकि डिविडेंड ज्यादा भी मिल सकता है, हाँ लेकिन आपकी कोई इज्जत नहीं है मार्केट में, जो शेयर होल्डर की कोई इज्जत नहीं है आपकी, आप जो मर्जी करो। एक सर, और आईटी के बारे में आपने जिक्र किया, आपका फेवरेट सेक्टर भी है, आपके पास भी है, आईटी में जो छोटे आईटी के स्टॉक हैं मिड कैप वाले, उनके अंदर आपकी राय जो है काफी अच्छी रही होगी। वो भी अच्छी है जी, वो भी अच्छे हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, हमारे पास है एक दो, लेकिन उसमें क्या हुआ कि अब वो इतने बढ़ गए कि उनकी और बड़ी कंपनियों में वैल्यूएशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। नहीं, उसमें डिजिटल वाला जो पार्ट है, डिजिटल वाला एक जो पार्ट है जो नहीं, डिजिटल इसके वाला अब सब में है, 40% सब में है। अब जो 100% डिजिटल वाली कंपनियां हैं वो ऐसे हो गई जैसे कोई ग्लोबल कंपनी आ गई, इतना भी कोई मतलब नहीं होता कि बड़े खुश है जी, हमारा माइंड बड़ा खुश है, हम हैप्पी हैप्पी हैं, ये समझ लो कि आप 200 रुपए के से 1200 रुपए कर देंगे, इतना नहीं करते हम, इतना नहीं करते, हमने बेच दिया वो, तो माइंड को ज्यादा मतलब हैप्पी नहीं करना ज्यादा माइंड को, कोई भी चीज ना इतनी एक तरफ फील ही नहीं होती है,
कि भाई आप नाम ऐसा है तो इसका मतलब अनलिमिटेड वो कर रहे हैं, बट वैसे आईटी इज गुड, मतलब आने वाले 3-4-5 साल के लिए आईटी के लिए आईटी हैज बीन गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम आईटी का। खाली आप सोचो कि आईटी में जो अर्निंग्स ग्रोथ होती है, जो कैश फ्लो होती है, जो डिविडेंड मिलते हैं, जो बायबैक होता है, वो कंज्यूमर सेक्टर से बेटर होता है बिल्कुल। और कंज्यूमर सेक्टर को आप देते हो 70 मल्टीपल, इसको देते हो 30-35 मल्टीपल। तो ये तो पोजिशनिंग है कि आईटी में लोगों को लगता है कि ये वॉलेटाइल है, लेकिन आईटी इज गुड और वो रुपी टर्म्स में, वो डॉलर में कमाता है, हमें रुपी में दिखाता है, तो दिखाता उसको है। वो भी फायदा है, 3-4% का साल का उसको वो मिल जाता है। प्लस हमें इंडिया की प्रॉब्लम्स अगर कभी हो रही हो तो इट गिव्स यू गुड प्रोटेक्शन, इट्स गुड। हाँ लेकिन ये FMCG को लोग वो उससे देख के चलते हैं ना, 130 बिलियन का देश है, वही आप वाली वो बात 130 बिलियन का है देश है ही नहीं जी, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। सब। मैं कह रहा हूँ FMCG को जो है उस अभी तरह से अभी देखा उसकी जाता है उसकी ना। बात कर लेते हैं, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को पता नहीं क्या है, आपके हिसाब से नेस्ले का रेवेन्यू ग्रोथ क्या है लास्ट 10 सालों में? रेवेन्यू सर मैं फंडामेंटल तो एटलीस्ट 10% भी नहीं है जी। दूंगी अभी आपको screener.in लगाओ या साइट विजिट करो, www.screener.in, सर उसमें आप जो भी स्टॉक का डालोगे आपको 10 साल का एक्चुअल डेटा, बैलेंस शीट, कैश फ्लो सब मिलेगा फ्री में। ओके, आप सो 10% ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू की। वो कहते हैं ये पता नहीं क्या इंडिया का वो आ गया है। सो द पॉइंट इज कि अगर कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ है ज्यादा, से 20% प्रॉफिट ग्रोथ है और रेवेन्यू ग्रोथ है 10-12%, ये जिंदगी भर नहीं चल सकती ना ऐसी बात। क्योंकि इन द एंड आप शुरू में कह सकते हो मैंने इनएफिशिएंट था, मैंने उसको ऑनलाइन कर दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से ये ले लिया, मैंने वहां से पैसे, मैंने वो HDFC बैंक से टाई अप कर लिया, मैं प्लेटफॉर्म पे चला गया, वो वहां पे हो गया, एंड में तो इट हैज टू बी कि रेवेन्यू हैज टू ग्रो। इट्स लाइक रिवेन्यू सेइंग मेरे बाग में जी 2 पेड़ है आपके, और पेड़ तो और नहीं हो रहे, लेकिन मैंने आज आम काटने के लिए मैं जल्दी चढ़ गया, मैं लेट चढ़ गया, मैं सुबह चढ़ गया, मैंने मशीन से काट लिया, ठीक है भाई तुम्हें 2 आम एक्स्ट्रा मिल गए तुम्हें, एंड में 2-3 साल बाद तो तुम्हें एक और पेड़ चाहिए टू ग्रो द नंबर ऑफ आम। यू कांट से कि मैंने प्रोडक्टिवली प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, सो देयर इज नो ग्रोथ इन दीज बिकॉज दे हैव रीच देयर लिमिट इन, आई मीन दे विल ग्रो नॉर्मल ग्रोथ, व्हाई शुड दे गेट 70 मल्टीपल। सर आपकी इन्हीं बातों के तो लोग कायल हैं, लोगों को अच्छी लगती है आप किस तरह से कंपेयर कर रहे हो, कैसे बता रहे हो, बहुत बढ़िया। तो इससे मैं क्या समझूं FMCG के बारे में, स्टेपल्स में खास तौर से, कि कोई खास सबका मूड नहीं है मतलब स्टेपल्स में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं, जीरो क्योंकि पिछले 1 तो 8-10 सालों में काफी अच्छा उन्होंने नहीं। दिखा भी उसका मेरा सिंपल एक्चुअली लॉजिक ये है दैट इफ अ कंपनी इज वेल नोन, अब उसकी अर्निंग्स ग्रो हो रही है 10-12-15%, चलो कैश फ्लो ले लो 15%, तो आप प्लीज 15% के हिसाब से स्टॉक को चलना चाहिए। अगर स्टॉक 30% पर एनम चल रहा है तो शुरू शुरू में हम भी खुश हो गए कि हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन यू कैन नॉट हैव अ कंपनी वेयर ईयर आफ्टर ईयर स्टॉक प्राइस मूवमेंट अप्रिसिएशन इज मच मच मोर देन द एक्चुअल इंप्रूवमेंट। आपकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये थोड़ा मॉडल है मार्केट में डालने का कि जी मुझे हर बारी ग्रेटर फूल मिलेगा। आप इस HDFC बैंक क्यों हमने 25 साल होल्ड किया है, क्योंकि अगर आप ईयर बाय ईयर देखो तो जितना स्टॉक प्राइस चलता है उतना ही अर्निंग होता है, जितना अर्निंग वो प्लस माइनस 20% चलते हैं, उतना उसमें आपको किसी साल में अनकंफर्टेबल नहीं होता कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। लेकिन आप इन कंपनियों में देखो ग्रोथ है रेवेन्यू की 10%, प्रॉफिट ग्रोथ है 15-18%, प्राइस अप्रिसिएशन है 35% पर आना 25, क्यों भाई किस, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, थी किस बात की, बाद में खड़े भी तो होना है ना सर जाके, वो पहले चल गए तो बाद में खड़े हो जाएंगे जाके। हाँ नहीं, हाँ एग्जैक्टली, तो हमें खड़े होने वाले फिर नहीं चाहिए ना, इसलिए कहते हैं कि स्लोली यू स्टेप ऑफ। तो एक और बात है, तो इसको डिस्क्रिशनरी में ले आऊं, अगर मैं डिस्क्रिशनरी, आई विल से वन मोर थिंग, अगर हम कोई ऐसा महंगा स्टॉक बेचते हैं और वो स्टॉक 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, ये थोड़ा मतलब है कि मैंने वो पैसे बैंक में जमा करा दिए थे, बिल्कुल हमने भी कोई और स्टॉक लिया था, हाँ, किसी और में डाल दियो, तो उसमें प्लस माइनस उसमें बन गए, लेकिन हमें कंफर्टेबल तो रहे ना कि हमने इतना हाई वो नहीं लिया। वो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना अपने चैनल के ऊपर कि इस स्टॉक मार्केट में जो पैसा है ना आत्मा की तरह होता है, वो शरीर बदल लेता है सिर्फ, वो रहता वहीं पे घूमता है, किसी और स्टॉक में चला जाएगा, तो इसमें इतना क्या हो गया कि वो बढ़ गया तो बढ़ने दो उसको, तो आत्मा तो अमर है ना, तो आत्मा तो अमर है, वो रहेगी तो यहीं पे ही, वो कहीं ना कहीं जानी तो कहीं है नहीं। तो इसको डिस्क्रिशनरी में अगर हम ले तो सर उसमें खास तौर से मैंने कम कर दिया है, कम कर दिया
क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो मुझे लगता है कि जो इस साल डिस्क्रिशनरी में मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर हो जाऊं, आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिसमें आपने अभी एयर कंडीशन का जिक्र किया, जैसे या वो एफएमसीजी नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन अगर नहीं, इट्स नॉट उसमें, एट ऑल, इट इज नॉट एट हाँ ऑल एफएमसीजी। उसमें अगर हम आ जाए अगर कंज्यूमर में. मैंने वो भी कम कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेकंड वेव हुआ है उससे इंडिया की कंजम्पशन को हिट हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि सर वो टेम्परेरी नहीं, नहीं हो. मेरे को नहीं लगता टेम्पररी है। सिंपल बात है जी, दो बातें। पहली बात यह है कि आपको एक तो डरा दिया गया है कि भाई ऐसे हो जाता है तो आपको हेल्थ के लिए पैसे मतलब हॉस्पिटलाइजेशन या उसके लिए चाहिए। अभी वो किसी ने बोला नहीं कि खत्म हो गया थर्ड वेव, तो आप थोड़े डरे रहोगे कि भाई पहले, और कईयों के पैसे एक्चुअली लग चुके होंगे जिन्होंने सोचा नहीं था। बिल्कुल. थर्डली, आपने जब आपका फर्स्ट वेव ऑफ स्टेइंग एट होम हुआ तो सब लोगों ने कहा कि यार मुझे घर में टेबल नहीं पसंद, मेरे लड़के को फोन चाहिए, हमारे को एक बड़ा टीवी चाहिए दूसरे कमरे में सेटअप। अब वो सब हो गया एक राउंड में, तो उसकी थोड़ी सी आपकी वो डिले हो जाएगी 5-6 मंथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दिस प्रॉब्लम इज नॉट कमिंग बैक, ये क्लियर होना चाहिए ना लोगों को। बिल्कुल. सो इट्स ओनली अ स्मॉल डिफरेंस, लेकिन आपका अगर 6 मंथ 15% ग्रोथ भी हम मारा टेम्परेरी गिनेंगे, 6 मंथ भी टेम्परेरी गिनेंगे, शायद नहीं, सिक्स पता मंथ नहीं भी लगता होगा. ना। तो हम कहते हैं हमने उसके बदले लिए हैं जो एक्चुअल खर्चे जाएंगे, जैसे ये अपना मैकडॉनल्ड इंडिया, ये खाने पीने वाले, क्योंकि आप अच्छा. मॉल जाओगे जेब में पैसा एक नहीं होगा, खा के तो कुछ होगे कि चलो खा लेट्स गो गए. आउट, लेट्स गो आउट। सो इसलिए दैट वन लुक्स बेटर देन इवन दिस कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और व्हाटएवर, लाइक कार। आई एम नॉट, आई डोंट लाइक कार शार एंड ऑल, नहीं एंड आई डोंट लाइक वहां दिस ये वाले जो है। एसी इज डिफरेंट, बिकॉज एसी. एसी वी आर प्लेइंग 2-3 थिंग्स। वी आर प्लेइंग द पीएलआई लाइसेंस, चाइना एक्सपोर्ट, वो कंपोनेंट, बट नॉट दी एग्जैक्टली. इसको मैं कनेक्ट करूं थोड़ा सा रियल एस्टेट की तरफ अगर हम चले जाएं. एग्जैक्टली रियल एस्टेट पे आप आंसर देना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो रियल रियल एस्टेट। एस्टेट जो रियल एस्टेट की एंसिलरी जो चीजें हैं, जैसे होम इम्प्रूवमेंट में पेंट, टाइल्स, प्लाई, इसके अंदर किस तरह का, क्योंकि जैसे अब लॉकडाउन लगा उसके बाद में आईटी कंपनीज ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम पे आ रही हैं, लोगों को थोड़ा साइज बड़ा करना है घर का, या घर के अंदर रह रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा कर लें उसको, प्लस फाइनेंसिंग इसके कॉस्ट कम हो गई है, प्लस फाइनेंसिंग कॉस्ट बहुत कम हो गई, तो इसके आई बारे एग्री। में आने वाले पाँच दो ये चार फिर भी पाँच बेटर साल. है, ये बेटर है। हमने अभी नहीं लिया, हमने रियल एस्टेट की कंपनियां ली हुई है, बट नॉट दिस अपना ये जो क्या कहते हैं किचन वेयर किचन, एंड हाँ किचन वेयर. टाइल्स एंड आपने रियल एस्टेट वाले लैमिनेशन। भी तो वही लिए होंगे ना जो अभी अभी आए थे कुछ पीछे, रिसेंट वाले, वो पहले वाले तो नहीं नहीं लिए वो वाला होंगे. नहीं लिया मैंने, वो नहीं लिया। नहीं जी, मैंने पहले वाला लिया है जिसमें चेंज ऑफ मैनेजमेंट हो गई है, जो आज खाली अच्छा 12% अब था आज, वो वाला स्टॉक वो ठीक है लिया है। और सर. एक मेरे पास है ये अपना पीरा वाला, वो एक्चुअली फाइनेंसिंग की स्टोरी भी नहीं है वो वो तो. फाइनेंस भी है लेकिन रियल एस्टेट है पूरा, क्योंकि वो बॉम्बे का रियल एस्टेट का एक्सपोजर है, हाई एंड रियल एस्टेट का एक्सपोजर है। तो मतलब एग्जैक्टली रियल एस्टेट में है आपका एक्सपोजर, इसके अलावा जो ये दूसरे सेक्टर हैं इसमें अभी आप अपना वो बना मैंने रहे लिया नहीं क्योंकि वो हैं इलिक्विड है थोड़े, और बहुत चल भी गए हैं, बट वो अच्छे लगते हैं वैसे, बुरे नहीं है वो सेक्टर। सर. पेंट मुझे वेंट वाले कहाँ लिक्विड हैं नहीं, सर? पेंट वाले नहीं मैं लेता जी, वो अच्छा 80 PP वाले तो लेते हैं, पेंट. 80 PP तो लेना ही नहीं है। मैं वहीं आ रहा था एक्चुअली. नहीं जी, वो इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो था हमारे पास, हमने पिछले साल, क्योंकि एज इट सेड ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर यू कैन नॉट डू वेल जस्ट बाय लेकिन हैविंग सर वो हाई। 80, वो 70-80 से नीचे आते भी तो नहीं है ना सर, वो तो आते चलते क्यों क्यों नहीं है नहीं. जी, पिछले साल तो 60 पे थे, उससे पहले साल 40 पे थे, अब उससे वो अगर 60 पे थे तो नहीं दूसरे तो 20 पे थे, प्रॉब्लम ये भी तो है. करेंगे नो, ऐसे नहीं था। व्हाट आई मीन इज, अगर आपको हाईएस्ट वैल्यूएशन वाले दिन आप कहोगे ये मेरी नॉर्मल वैल्यूएशन है, क्योंकि एवरीडे उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, तो अगर एवरीडे वैल्यूएशन बढ़ जाती है किस दिन आप बोलोगे कि आज की वैल्यूएशन जो थोड़ी ज्यादा है, आप तो रुकते ही नहीं, इसलिए हम नहीं लेते हैं उसमें। एज आई टोल्ड यू, इट मेक्स नो डिफरेंस वेल. बिकॉज सो मेनी स्टॉक्स डू वेल, इट डजेंट मैटर। हम लेते एग्जैक्टली हैं जिसमें हमें एग्जैक्टली. कंफर्टेबल यहां कंफर्टेबल पर तो हम बात वो कर रहे हैं कि एक बार हम पूरे सेक्टर की बात कर लें, लेकिन जरूरी नहीं है सब कुछ हो सकता है हर सबके किसी को ले पास, लेनी है शौक, सब कुछ थोड़ी ले एक्चुअली सकते हैं. अभी हर एक के पास कैपिटल की भी लिमिट है, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो अपने आप को और किसी बोलता के रहे. शौक मतलब किसी के वो अलग है, थियरी अलग है कि हाँ वो क्या चीज तो. पसंद है। अब हम जोमाटो सपोज, थियरी में जोमाटो लेना हो, अब पैसे आएंगे कहाँ से? हाँ वही उनमें से किसी में से आएंगे ना, बिल्कुल. तो इट इज इट्स अ क्लोज सम गेम। चाहे नया इन्वेस्टर भी दे दे, उसको बाकी भी तो सेम स्टॉक्स लेने हैं ना। सो एंड में यू कैन जैसे बाय एवरीथिंग विच इज गुड, यू हैव टू चूज बेस्ड ऑन प्राइस। ठीक है. अच्छा जी, प्राइस पे आ जाते हैं एक मिनट।
तो लेटेस्ट से कि अभी कोई अगर आप पढ़े नेट पे तो पिंक डायमंड ऑक्शन हुए थे हांगकांग में, ओके, बड़ा मोटा, इतना मोटा हाँ था, हाँ मतलब हाँ हाँ बिल्कुल हाँ वो बिलियनर्स ने बिड किया था, हाँ बिल्कुल ओके, बिल्कुल और वो किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट से नहीं हो रहा, वो लव के लिए हो रहा है कि मैं अपनी डॉटर को दे दूंगा, अपनी वाइफ को दे दूंगा, तो उसकी ऑक्शन चलती क्यों नहीं रहती सालों साल, वो रुक क्यों जाती है 50-60 मिलियन पे, क्यों रुक गई थी? क्योंकि किसी को उसमें भी लगता है जिसमें कोई वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत हो गया। हम फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं जिसमें व्हाट इज इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग इज एक्सचेंज ऑफ योर मनी विद दैट इन्वेस्टमेंट। दैट इन्वेस्टमेंट तो कौन आके बोलता है कि जी आप अपने पैसे दे दो लेकिन जो आप खरीद रहे हो उसमें आप फिक्र ना करो कितने में मिल रहा है आपको, तो शेयर मिल रहे हैं इस पेंट कंपनी के, कोई तो सर लिमिट होती वो है ना चीज की। आपकी, सर वो देखो ये लॉजिक बिल्कुल राइट है, लेकिन अब कुछ स्टॉक ऐसे हैं, नाम यहाँ पे लेना अच्छा नहीं है, चाहे आप उसमें पेंट वाला बता दो जो है बहुत ही अच्छा नाम है, फेमस नाम, या आपके केमिकल के कुछ स्टॉक हैं, वो कई कई 100 गुना हो गए हैं सर, नहीं वो इतनी ठीक है, वैल्यूएशन के बाद नहीं नहीं ये भी। बात नहीं है, नहीं ये बात नहीं, मुझे भी अच्छे लगते हैं वो। अगर आपका रेवेन्यू 20-30% ग्रो हो रहा है आप हाई वैल्यूएशन दे सकते हो, क्योंकि 20-30% मार्केट में ग्रोथ वाले स्टॉक बड़े कम होते हैं, अगर वो 3-4 साल भी चल गया तो उसके आप 1.3 × 1.3 तीन चार बार करो बड़ा फर्क पड़ता है। बड़ा फर्क लेकिन अगर पड़ता है। आपका रेवेन्यू ग्रोथ 10-12% है, आप कहानी मत सुनाओ कि मैंने 6 बार दिन में दे दिया, कि 3 बार दिया, कि मैंने, वो हो गया ना, बल्कि वो एफिशिएंट कंपनी तो खरीदनी नहीं चाहिए, बिकॉज ओके एफिशिएंट कंपनी आगे क्या करेगी, ऑलरेडी इनएफिशिएंट, एफिशिएंट इनएफिशिएंट रहेगा, मैं एफिशिएंट बन जाऊंगा जी, एफिशिएंट क्या करेगा एफिशिएंट क्या करेगा, वो तो खाली रेवेन्यू रह गया उसके लिए, और रेवेन्यू ग्रोथ है ही लॉजिक नहीं, ये और अच्छी रेवेन्यू बात ग्रोथ है कि है ही नहीं। यहां के हमको ऐसे डिफरेंशिएट करना है कि जो कंपनियां जो हैं एग्जैक्टली अपना वो बढ़ा रही, रेवेन्यू बढ़ा रही हैं, उनका अगर हाई वैल्यूएशन भी है तो फिर भी चल थोड़ा चल सकता है। सकता है, थोड़ा चल सकता है, करेक्ट, तो बिकॉज सर बिकॉज देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन ग्रो बाय सेविंग कॉस्ट्स। तो सर अब हम अपने आखिरी उस पे आ लास्ट जाते में, हाँ जी, हैं, लास्ट पे आ जाते हैं। एक लास्ट में सबसे पहले जो है अपना सबका बहुत ही हमदीदा शेयर है, वैसे नाम मैं नहीं लेता हूँ शेयर का, लेकिन वो अब अपने आप में पूरा सेक्टर है तो इसलिए ले लेना भी ज़रूरी है, कोई बात नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मुझे पता है शायद आपके पास है या नहीं है, शायद नहीं होगा आपके पास, लेकिन अभी उन्होंने जैसे एक तो टेलीकॉम के अंदर है आपके पास, आपने अभी कहा कि मैंने भारती में भी काम किया है, लिया है, रिलायंस के बारे में या उसके जुड़े हुए सेक्टर, क्योंकि अब उनके पास में एक तो टेलीकॉम का है, करेक्ट एक करेक्ट, उनका जो पीछे ऑयल का बिजनेस है O2C के अंदर है वो, और अभी वो नई एक, मैं एक्चुअली उसके बारे में ज़्यादा जानना चाह रहा था आपसे कि नया उन्होंने एक किया है ग्रीन अनाउंसमेंट ग्रीन का, सोलर ग्रीन, का, और इस बारे में आपका या कोई थॉट प्रोसेस कोई आप, क्योंकि आप बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी स्टडी करते हैं बाहर की, और कंपनियां बाहर क्या कर रही हैं इस मामले में आगे आने वाले 5-7 साल में, तो रिलायंस का ये डिसीजन राइट डायरेक्शन है या कहीं ना नहीं कहीं थोड़ा डायरेक्शन सा तो राइट है, उसमें खाली है कि वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, 180 बिलियन मार्केट कैप, कि उसको 180 बिलियन को मूव करने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ नई नई चीजें करते रहने पड़ेगी। अभी जी उन्होंने ये 50-70 से 180 कैसे आए, सर, क्योंकि वो वन मैं एटी इसी, बिलियन आप कहते हो, मैं गूगल का इतना बड़ा फैन हूँ, वो 1000 बिलियन से ऊपर, आप 180 बिलियन को बड़ा कह रहे हो, आप कहाँ सर आपने गूगल की तरफ रेवेन्यू ग्रो देखो, गूगल बेचारा घर बैठ के 25% रेवेन्यू अभी करता है। सर, मैं सिर्फ आपको छेड़ हाँ ना राइट, वो तो रहा गूगल तो बाई गॉड मास्टर है, और अमेज़न तो बाप है सबका। लेकिन रिलायंस में क्या है, उनको दो सेक्टर बड़े अच्छे मिले, एक टेलीकॉम और जी, एक रिटेल। रिटेल, हाँ रिटेल हाँ रिटेल, इसके कारण उनकी जो 60-70 बिलियन मार्केट कैप थी 180 हो गई। बिल्कुल अब 180 से आगे जाने के लिए वो ग्रीन में ग्रीन में जा रहे जा रहे हैं सॉर्ट ऑफ, तो वैसे तो ठीक है, लेकिन ओनली थिंग इज बिकॉज़ द कंपनी इज लार्ज, वो हमारे उस टाइप की कंपनी बन जाती है जो हम कहते हैं हाई कॉन्फिडेंस रीजनेबल रिटर्न। अब आपको उसमें 30-40% साल के नहीं बन सकते, आपको मार्केट से 2-4% ज्यादा बन सकते हैं अगर ये चीजें इंप्लीमेंट ठीक हो गई, सो दैट वे इट इज फेयर, मतलब बट इट इज FMCG टाइप रिटर्न आ जाएगा आपको, FMCG टाइप रिटर्न आ जाएगा अगर ठीक ठाक चलता रहा तो, ऐसा कह सकते हो FMCG कह लें, या हम इवन हम तो बहुत सारे गिनते हैं ऐसे आप। हाई हाँ व्हाट वी कॉल हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न, इसमें आपको मार्केट अगर 13-14 बढ़ रही है आपको 17-18 मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है, और ये जो दूसरे होते हैं जो नए नए होते हैं उसमें नहीं शायद उसमें, 25-30 मिल हाँ जाए, शायद मिल जाए, कई बार एक दो में जाएंगे और बाकियों में बनेंगे, तो उस हिसाब से ठीक है, ठीक है, मतलब बिकॉज इट इज इन, एरिया जो एरिया तो चूज ठीक है।
एरिया तो क्या है, क्योंकि मैं गोल्ड का आपसे इसलिए प्रेफर। स्पेशली मैं इसलिए स्पेशली जानना चाह रहा था क्योंकि आप थोड़ा ग्लोबल ट्रैक करते हो बाहर की कंपनियों को, तो बुक्स ओनली वगैरह थिंग मुझे इज पता है बहुत इसमें ना, पढ़ती हूँ। इसमें एग्जैक्ट समझ नहीं आई, क्योंकि जैसे ये बैटरीज बनानी या आप सोलर सेल बना रहे हो, ये चीजें बैटरीज, बड़ी हाँ नहीं, ये सोलर बैटरीज, सेल बना रहे, वो बैटरी वो नहीं बना रहे, मतलब ये जो नई चीजें हाँ बन रही हैं उसमें क्या है कि आप टेक्नोलॉजी ला रहे हो कि खाली मैन्युफैक्चरिंग स्केल कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू बड़ी कम है, टेक्नोलॉजी की बड़ी ज्यादा है। टेक्नोलॉजी, नहीं नहीं ये उन्होंने जो कहा है वो तो सर वो रिलायंस है, वो उन्होंने कहा है टेक्नोलॉजी ही लाएंगे हम, नहीं वो लाएंगे नहीं, टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि लाएंगे बना कहाँ रहे से। हैं, हाँ नहीं हाँ बना रहे राइट, हैं वो बना रहे तो हैं। जब बनेगी वो आई एग्री, बट उसमें क्या होता है, जब तक तो मार्केट कहेगी या फाइनेंशियल इन्वेस्टर कहेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी कितना फर्क, हाँ जैसे और मुझे लगता है, अभी 3 साल की इन्वेस्टमेंट साइकिल है, उसके बाद देखेंगे ये जैसे मुझे होगा ऑटो सेक्टर बिल्कुल मर्डर ऑफ मनी लगता है, एक्चुअल मर्डर ऑफ मनी। क्यों, आपके आपने शॉर्ट दस में भी वही है मुझे पता है। सबसे ज्यादा 10 कंपनियां हैं ऑटो में वर्ल्ड में, लेटर से 20। अब वो 20 कंपनियां पहले कुछ नंबर ऑफ कार्स बेच रही हैं, अब सबको बोला गया कि जी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओ, सबने कहा ठीक है जी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, अब सबने बिलियन ऑफ डॉलर लगा लिए, अब सबने कल से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी शुरू कर दी, अब फर्क क्या पड़ा, आप पहले दूसरी कार बना रहे थे वो बिक रही थी, आपने इतने लाखों करोड़ों खर्चे, अब आपकी इलेक्ट्रिक हो गई, या फिर वही उतने ही नंबर बिकनी है, किसी ने तो नहीं बोला कि इलेक्ट्रिक हो जाएगी तो ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी, लेकिन इस दौरान 25 नई कंपनियां आ गई जो कहते हैं हम भी इलेक्ट्रिक हाँ व्हीकल हम भी बनाएंगे जो पहले लेते नहीं बना रहे थे, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट है, उनको व्हीकल में इंटरेस्ट नहीं था नॉर्मल। तो अच्छी खासी वर्ल्ड थी जिसमें 20 ऑटो कंपनीज थी, वो 30 हो गई, और 10 नए सपूत आ गए, और पुराने का किसी को पता नहीं कि किसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल ठीक बनेगी किसकी गलत बनेगी, कोई सबके थोड़ा ठीक हो जाएगी, आपने कंप्लीटली टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, लेकिन मार्केट साइज नहीं चेंज हो रहा। Nobody saying कि when electric vehicles are there, the car numbers will go up. बिल्कुल। तो तो सर अच्छा इसलिए है ना, आपको अपना वो ऊपर का 60 भरने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, ऐसे लोग चाहिए ना आपको। हाँ बिल्कुल चाहिए, उन्हें चूज करने के लिए तभी तो आपको मारुति से बड़े खुश होते हैं। वो भी तो चाहिए। तो चलो सर, आज हमने बहुत सारी ठीक बात, एक्चुअली ओवर ज़्यादा बात कर ली हमने, बहुत सारी जो टाइम हमारा था उससे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मतलब आपने समय दिया हमारे लोगों को, है, नहीं और जी बड़ा मजा आया, बहुत ही अच्छी बातचीत रही, बहुत ही अच्छा रहा, और मैं चाहूँगा आगे आने वाले समय में, ये सेगमेंट अभी मैंने शुरू किया है सर, आप जैसे बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को साथ जोड़ने का, आपका और शंकर सर का मैं बहुत बड़ा मतलब अच्छा एडमायरर रहा हूँ शुरू से, क्योंकि आप दोनों बिल्कुल फ्रैंक बोलते हो, एकदम जैसे जो दिल में आया वो एक बात बोल रहे, जैसे मैं हूँ वैसे ही। तो मैं चाहूँगा राइट। शंकर सर को भी रिक्वेस्ट करूँगा, और आप भी लगा देना थोड़ा सा कि हाँ आ नहीं नहीं आप जाएंगे, बोल देना ना, वो आ जाएंगे तो उनको जोड़ेंगे, और किसी दिन मैं चाहूँगा आप दोनों लोगों को साथ मिलाऊँ, जरूर दोनों लोगों को जरूर, साथ में करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो आने वाले दिनों में फिर मिलेंगे आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया, जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर।